Afternoon all. So today we are going to discuss the topic types of motion. So we have seen that motion of a body involves continuous change in its position with respect to another body. Okay, हमको पता ही है कि अगर आपकी body का आप motion करते हो तो motion का मतलब क्या होता है? That आपकी position में continuous change होता है. Okay, उसको बोलते हैं motion. We have also observed that different moving objects have different kinds of motion. हमने ये भी observe किया है कि different moving objects का different motions होते हैं. Okay, some of the important types of motion are, कुछ टाइप के ऐसे different types के motion हम study करेंगे, that translatory motion, circular motion, rotational motion, periodic motion एंड नॉन पीरियडिक मोशंस. ओके, ये फाइव टाइप्स के मोशन है हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप का मोशन जहाँ पे सारे पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. लेट्स सी द एग्जांपल दैट अ बाइसिकल मूव्स एज ए होल. दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल टाइम. दस अ बाइसिकल अंडरगोस ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि बाइसिकल का, जैसे ही बाइसिकल के जितने सारे पार्ट्स हैं वो भी बाइसिकल के जितना ही डिस्टेंस कवर करेंगे उतने ही टाइम में. ओके, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल हुआ. अब ट्रांसलेटरी मोशंस के टू टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्विलिनियर मोशन. ओके, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ही टू उसके सब टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर एंड सर्विलिनियर मोशन. ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, लेट्स सी द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता हो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. इट इज़ अनदर नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन. सपोज एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, उसको बोल सकते हो आप रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज, ओके ये बाकी है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड. एग्जाम्पल्स ले लो रेक्टिलिनियर मोशन की, आप पिक्चर में भी देख सकते हो दैट स्ट्रेट रोड पे जो मोशन ऑफ द कार होता है, मूवमेंट ऑफ कार होती है, वो रेक्टिलिनियर हुआ बिकॉज वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है. मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो बॉल रोल हो रहा है वो भी सेम स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है. मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, मार्च पास्ट ऑफ द सोल्जर्स इन अ परेड आर द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. आप पिक्चर में देख सकते हो ये सारे रेक्टिलिनियर मोशंस के एग्जाम्पल हैं. नाउ द सेकेंड मोशन इज सर्विलिनियर मोशन. ये सब टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन के. ओके, ट्रांसलेटरी में दो मोशंस आते हैं, दो सब टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर एंड सर्विलिनियर. नाउ लेट्स सी सर्विलिनियर. व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन इट इज सेड टू बी कर्विलिनियर मोशन. आप सर्विलिनियर भी प्रोनाउंस कर सकते हो या कर्विलिनियर भी. ओके, ऐसे बॉडी जो कर्व लाइन पे मोशन करे उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन. अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए कर्व्ड रोड. अगर रोड कर्व होगा तो कार का मोशन भी कर्व होगा, तो ये एग्जांपल हुआ कर्विलिनियर मोशन का. एंड द टिप ऑफ द पेंसिल व्हाइल राइटिंग ऑन सम एग्जांपल्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन. ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एग्जांपल्स हैं कर्विलिनियर मोशन के. नाउ ये था हमारा ट्रांसलेटरी मोशन. हमें टोटल फाइव टाइप्स के मोशन स्टडी करने हैं, उसमें से हमने ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी कर लिया.
ट्रांसलेटरी के अंदर दो सब टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्क्यूलर मोशन. आपको नाम से ही पता चल गया होगा सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है. लेट्स सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्क्यूलर मोशन. ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव होता हो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम. When an object moves in such a way that its distance from a fixed point remains the same, उसका जो distance होता हो वो same होता हो, ऐसे objects को बोलते हैं circular motion. उनका जो एक जहाँ से उन्होंने start किया motion करना वहीं पर वो लोग ख़त्म हो रहे हैं उसको बोलते हैं circular motion. अभी इसके examples ले लेते हैं तो आपको अच्छे से clear होगा. Motion of the moon around the earth, okay, moon around the earth, हमारे जो अर्थ का मोशन है वो आपको पता ही है एक जगह से स्टार्ट होता है कंप्लीट भी वहीं पे होता है. द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड कर रहा है उसका भी. द ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन, द हैंड्स ऑन ऑफ ए वॉच, अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सर्क्यूलर मोशन. आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्क्यूलर मोशन के. ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर. In next lecture, we will study further. So, thank you all.